हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो आज के व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम डिस्कस करेंगे कि खर्चा कितना हुआ और थोड़े बहुत इश्यूज जो कमेंट में भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे उसको हम आज फोकस करेंगे उस पे इस व्लॉग में। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर क्वेश्चन जो हमको बहुत लोगों ने पूछा है कमेंट्स में, नॉन स्टॉप लोगों का आ रहा है, इज द हीटिंग इशू ऑफ द कार। जो गाड़ी को नेचुरली कूल्ड एयर कूल्ड कूलिंग सिस्टम दिया है जो बैटरी में, उसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इज इट इफेक्टिव इनफ और नॉट। तो पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मेरी ड्राइव में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं आई, एंड एज यू नो अगर आती तो वी विल फीचर इट, हम लोग उसको हाईलाइट करते ही हैं वो चीज़ को, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर यू ऑल व्हेन आई एम ड्राइविंग दैट कार। अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी हमारे पास 3-4 दिन के लिए थी, तो जितना हो सकता था उतना हमने उसको यूज़ किया और उसका रिव्यू दिया है, बट आई एम श्योर जो ओनर रिव्यूज़ हम ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं, देयर इज ट्रूथ बिहाइंड दैट। जो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा इसके बारे में आपको डिटेल दे सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दैट कार, प्लीज़ प्लीज़ डू योर थरो रिसर्च अबाउट दिस नेचुरल कूल्ड। फ्रॉम व्हाट आई नो, अगर आप ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं कर रहे तो आपको ज़्यादा इशू आना नहीं चाहिए, एंड हमारे केस में हम लोगों ने भी इफ़ यू सी सुबह दोपहर के 2 बजे तक तो हीट में लाइक अराउंड 36-38 डिग्रीज टेम्परेचर था वहाँ पर, और उसमें हमने ड्राइव किया था तो उसमें भी हमको कोई इशू आया नहीं था। तो आई डोंट नो कितने टेम्परेचर पर जाके वो इशू आता है, 40+ पे आता है क्या है, आई डोंट नो द डिटेल्स अबाउट इट, बट 38 डिग्रीज में फास्ट चार्ज भी किया था, उसमें इशू आया नहीं था। नाउ टॉकिंग अबाउट फास्ट चार्ज, जो लोगों आप लोगों को दिखा, जो मैंने बोला था कि 2-3 बार बंद हुआ था एंड 60% तक ही चार्ज हुआ था, इट वॉजेंट एन इशू विद द हीटिंग ऑफ द बैटरी, क्योंकि उस दिन पूरा दिन हमको टाटा के चार्जर्स पे इशू आया था। रात में भी हम एक जगह पे चार्ज करने गए थे, उसमें इशू आया था, एंड फनीली आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि जो चार्ज हुआ भी था दैट आल्सो वाज नॉट चार्ज्ड टू अस, लाइक उसका बिल नहीं आया था। जो 2-3 बार मैंने उसको स्टार्ट किया था उसमें 2 बार बिल 0 आया है और एक ही बार वो हुआ है, तो देयर वाज सम सर्वर एरर विद टाटा गोइंग ऑन दैट डे। तो इवन जो वंस जो चार्ज हुआ है, जिसका चार्जिंग का हमको कॉस्ट बैठा है, दैट इज चार्ज्ड ओनली फॉर 4 kWh, और जितना कि आप लोगों को पता है कि 4 kWh में गाड़ी 4% से 60% नहीं जाएगी, 4 kWh इज वेरी लेस। तो एज आई वाज सेइंग के देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द चार्जर और द नेटवर्क दैट डे, उसकी वजह से वो ग्लिच आ रहे थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो बैटरी हीट की वजह से नहीं था। आई वुड नॉट ब्लेम इट टू द कार फॉर श्योर, देखते हैं बाकी अगर फिर से वो गाड़ी मिलेगी वापस एक और बार ट्राई करेंगे। एंड वन थिंग अगेन टॉकिंग अबाउट फास्ट चार्जिंग, गाड़ी हीट रहती है अगर आप रनिंग में गाड़ी को फास्ट चार्ज पे लगाते हो कंटिन्यूसली जैसे हम करते हैं, तो वो रेगुलर नेक्सॉन और टियागो टिगोर से जो टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम ले रही है गाड़ी फॉर श्योर। तो नॉर्मली जैसे हम नेक्सॉन को जब चार्ज पे लगाते हैं या टिगोर को चार्ज पे लगाते हैं तो एक मिनट में 1-1.5% हो जाता है 25 kW चार्जर पे, बट इसमें एक मिनट में 1% या ऐसा ऑड कुछ हो रहा था, एंड आई एम थिंकिंग दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कूलिंग सिस्टम विच दे हैव। अगर वो लिक्विड कूलिंग होता तो मे बी वो फास्टर होता। एंड जस्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंस, द नेक्स्ट डे आई वेंट टू अ डिफरेंट चार्जर विदाउट लाइक यू नो व्हेन आई वाज बैक होम, उसके बाद मैं एक चार्जर पे गया था एंड आई शो यू स्क्रीनशॉट, तो उस टाइम पे वो 25 kW स्पीड पे चार्ज हो रही थी। तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द बैटरी सिस्टम के वो चार्जिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा था। अभी आते हैं कि खर्चा कितना हुआ पूरे ट्रिप में चार्जिंग के हिसाब से। तो ऑल द चार्जिंग इंक्लूडेड, टाटा और आयोनेज जो BPCL पे था, यस आयोनेज का ऐप है, वहाँ पे जो स्कैनर पे स्कैन करके वो एक्चुअली वेबसाइट पे लेके जा रहा था, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज कि उसका ऐप नहीं है, बट BPCL का ऐप अगर आपको नहीं पता है तो आयोनेज है, एंड थैंक्स टू एवरीवन हु टोल्ड मी अबाउट इट, एंड इवन द जियो का चार्जिंग स्टेशन जो मैंने यूज किया था, ये सब मिला के रफली 3000 रुपीज, 3000 थोड़ा कम चार्ज हुआ है। तो आई गेस इस बारे में हमने थोड़ा पहले भी बोला था कि पहले 1.5 से 2 रुपया लगता था, लेकिन अभी चार्जिंग का रेट थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, तो 2.5 रुपया per kilometer आजकल कॉस्ट आ रहा है फास्ट चार्जिंग का। स्पेशली अगर आप बड़े फास्ट चार्जर लाइक 60 kW वाले चार्जर पे चार्ज कर रहे हो, थोड़ा सा रेट ज्यादा लग जाता है वहाँ पे, अदरवाइज इट्स 2.5 per kilometer इज वॉट वी पेड रफली, क्योंकि ऑलमोस्ट 1200 kilometers का जर्नी था हमारा, 1200+ kilometers का जर्नी था, एंड 3000 थोड़ा सा कम हमारा हुआ था। आई ट्राई एंड कैलकुलेट एग्जैक्ट फिगर एंड पुट इट हियर इफ पॉसिबल, बट द स्क्रीनशॉट्स आर देयर फॉर यू टू चेक इट आउट, एंड कहाँ पे कितना हमने पे किया है, कितना किलोवाट के लिए, एंड 3000 ही पकड़ेंगे एक्चुअली, क्योंकि जो 2 टाइम जो मैंने आपको बोला टाटा पे चार्ज हमको बैठा नहीं था,
जिसका बिल नहीं आया था, अगर वो बिल आ जाता तो 3000 डेफिनेटली टच हो जाता था। अभी समझो 2800 हो रहा है तो वो 200-300 रुपया उसका ऐड होना चाहता था। तो 2.5 रुपया पर किलोमीटर इज वॉट वी पेड जस्ट फास्ट चार्जिंग ऑन दिस होल ट्रिप। होप ऑल योर क्वेरीज आर कवर्ड इन दिस वीडियो। नाउ मेजरली लोगों को वो हीटिंग इशू के बारे में ही जानना था एंड ऑल्सो अबाउट द चार्जेस दैट वी पेड टू मेक दिस होल ट्रिप। तो आई होप एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो एंड इफ यू आस्क मी ओवरऑल वी वर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। पूरे ट्रिप में कोई तकलीफ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक दो जगह पे कुछ एरर आ रहे थे बट देन गाड़ी रिस्टार्ट करने पे दे वर गोइंग अवे। हीट इशूज कॉज वी डिडंट फेस एनी इशू, नॉट इवन व्हाइल ड्राइविंग वी डिडंट फेस एनी इशू। कार में कोई किसी तरह की भी हीट वार्निंग्स या कुछ आए नहीं थे, ना हमको चार्जिंग में कोई इशू हुआ। तो वी वर प्रेटी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। एंड अगर आप गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो तो हीट इशूज के बारे में प्लीज थरली रिसर्च कर लेना कि व्हाट इज द करंट अपडेट अबाउट द कूलिंग सिस्टम, कंपनी उसको चेंज कर रही है या नहीं, और जो खरीद रहे हैं उनका क्या फीडबैक आ रहा है। जो ओनर रिव्यूज विल बी द मेन रिव्यूज दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन इट। तो आर शॉर्ट रिव्यू वी वर हैप्पी विद इट, बट लॉन्ग टर्म रिव्यू जो 3-4 महीने 6 महीने से चला रहे हैं उनका भी अगर आप फीडबैक ले लोगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड आई होप एवरीथिंग इज कवर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। डू कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ। लेट्स हेल्प अदर ईवी ओनर्स थ्रू आर वीडियोज। तो डू कीप शेयरिंग एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट मंथ।